ये सब बकवास है, इससे कोई सच्चाई नहीं। बार बार फोन मत करो यहाँ। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, फोन रखिए अभी। लेकिन आपसे ये सारी बातें कह कौन रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। देखिए, आई हैव नथिंग टू से ऑन दिस मैटर। आप मुझे फोन मत कीजिए, प्लीज डोंट कॉल मी। क्या हुआ बुआ साहब? किसके फोन कॉल आ रहे बार बार? क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ नहीं, बाहर हो रहा है। तमाशा बन गया खंडेलवाल परिवार का, वो देख। खंडेलवाल परिवार का सच आया सामने। अक्षत और अर्पिता का प्रेम विवाह बना दूरियों की वजह। ये सब देख लिया। कल अर्पिता के यहाँ ना आने का नतीजा। वो तो यहाँ नहीं आई, मगर हमारे घर की बात लोगों के घर तक पहुँच गई है। पूरे जयपुर में बदनामी हो रही है हमारी भैया। जिस चीज का डर था वही। पुरखों की कमाई हुई इज्जत आज बाजार में कौड़ियों के दाम बिक रही है। जिन अखबारों में हमारे चर्चे होते थे, उन अखबारों में आज मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये आपकी जर्नलिज्म, ये आपकी न्यूज, आपको शर्म नहीं आती? अपनी हेडलाइंस बनाने के लिए आपने छोटे से मैटर को इतना बड़ा इशू बना दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी फैमिली पे? यह जर्नलिज्म आपकी नजर में? जर्नलिज्म एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, अवेयरनेस के लिए होता है। अगर छापना ही है तो सोसाइटी के बारे में छापिए। गरीबी, बेरोजगारी, विमेन राइट्स, करप्शन, इन सब के बारे में लिखिए। आपके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी या हाई सोसाइटी? मैम प्लीज प्लीज काम डाउन, प्लीज प्लीज आप पानी पीजिए। मैं यहाँ पानी पीने नहीं आई हूँ। मैं ये बताने आई हूँ कि भैया और भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनकी फैमिली उनसे बहुत प्यार करती है और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए मैं दिन रात कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे भैया और भाभी की तरह माँ पापा भी समझे कि लव इज अ ब्यूटीफुल इमोशन। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो प्यार शादी के बाद हो सकता है, वो शादी के पहले क्यों नहीं हो सकता? अगर दो लोग एक दूसरे को समझते तो वो लव मैरिज क्यों नहीं कर सकते? वो खुश क्यों नहीं रह सकते? वो खुश रह सकते अगर हम उन्हें खुश रहने दे तो। प्यार दो लोगों को अलग करने के लिए नहीं होता, उन्हें मिलाने के लिए होता है। प्यार बदनाम करने या दोषी ठहराने के लिए नहीं होता, प्यार सिर्फ प्यार करने के लिए होता है। और अगर आप अपनी फैमिली में किसी से प्यार करते हैं तो प्यार की रिस्पेक्ट कीजिए, रिश्तों को निभाइए। और जिस दिन आपने ऐसा किया उस दिन आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, आज मैंने कुछ किया। आपकी दी हुई खबर का जवाब हमें देना पड़ रहा है, वो भी उन लोगों को जो हमारे घर में घुसकर हम पर उंगली उठा रहे हैं। एक मिनट, हमारी दी हुई खबर का क्या मतलब है? ऐसा काम हम लोग नहीं, सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। अरे भाई, जो अपनी बेटी को झूठ बोलना सिखा सकते हैं, हमें धोखे में रख के अपनी बेटी की लव मैरिज करवा सकते हैं, वो ये क्यों नहीं करा सकते? धोखे में तो हम भी रहे। हमको नहीं पता था कि अक्षत और अर्पिता एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तक रही मेरी बेटी की बात, तो हमने उसको अच्छे संस्कार दिए, और ये उसी के संस्कार हैं जिसने आपके बेटे को आपसे अलग करवाने के बजाय उससे खुद अलग हो जाना पसंद किया। इतना बड़ा त्याग करने के बाद कोई कैसे ऐसे गिरी हुई हरकत कर सकता है? तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम ऐसा करें? हमने ये बात घर तक ही रखी थी। ये बात तो बाहर तब गई जब आपकी बेटी आपके घर गई। भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम लोग ये सब करेंगे? तो फिर किसने किया? एक मिनट प्लीज। देखिए, यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। मुद्दा ये है कि अब हम सबको क्या करना चाहिए। देखिए, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रिश्ता हमारे बीच में कायम हुआ था अब किस मोड़ पर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने कन्यादान किया और आपने स्वीकार किया। जवाब आपको देना पड़ेगा, मेरी बेटी का भविष्य इस घर में क्या है? देखिए अग्रवाल साहब, आपकी बेटी का भविष्य वही है जो एक झूठ का होता है। आपकी बेटी को झूठ बोलने और धोखा देने की सजा मिली, और जो सजा उसे मिली है वो उसके खुद के किए। और इस मामले में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।
तो आपका मतलब है कि इस बात का आपसे कोई वास्ता ही नहीं है, आप फैमिली मैटर सॉल्व करेंगे ही नहीं? अब ये मैटर सॉल्व हो ही नहीं सकता, कम से कम मेरे हाथों तो नहीं। आपकी बेटी इस घर में अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से चली गई, तो मेरी नजर में तो ये मैटर क्लोज हो चुका है। नजर नजर की बात है सुकेत जी, जिसको मैं आपकी जिम्मेदारी समझता हूँ आप उसको मुसीबत समझते हैं, और जिससे पल्ला झाड़ना चाहते हैं। जब तक आपका अपने बेटे से और मेरी बेटी का आपके बेटे से रिश्ता जुड़ा हुआ है, आपको ये तो कुछ करना पड़ेगा। आप मेरे डैड से इस तरह बात नहीं कर सकते। इसे कहते हैं गुड न्यूज, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ अर्पिता। आई होप अब तुम दोनों सब कुछ बुला के एक साथ रहने के बारे में सोचोगे। कभी सोचा भी नहीं था कि जो लोग अर्पिता और अक्षत के रिश्ते को लेकर इतना खुश थे, उनके प्यार की बात को लेकर उनके खिलाफ हो जाएंगे। माँ, सब ठीक हो जाएगा। जो दूरी अक्षत और मेरे बीच है, मैं जानती हूँ उसे अक्षत भी दूर करना चाहते हैं, और शायद मेरे एक कदम बढ़ाने से अक्षत दो कदम चल के आ गया है। मैं अक्षत से बात करूंगी। आई अग्री, बात करने से ही बात बनेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। जिस तरह कल रात अक्षत ने मुझसे बात की, मुझे लगता नहीं कि वो कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे उसके पिता को तकलीफ और परेशानी उठानी पड़े। अक्षत से बात करने का कोई फायदा नहीं है। डैड प्लीज, आपने मुझे वट की पूजा के लिए भी नहीं जाने दिया, मैं मान गई। अब मुझे मत रोकिए, और फिर ये सिर्फ मेरी जिंदगी का नहीं, अक्षत की जिंदगी का भी सवाल है। और अगर वो वहां खुश नहीं रहेंगे तो आपकी बेटी यहां खुश कैसे रहेगी? बेटी, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं, मगर उस खुशी के बदले मैं तुम्हारी बेइज्जती होते हुए नहीं देख पाऊंगा। एक बार इसे कोशिश तो करने दीजिए, हो सकता है हमारी बच्ची को उसका घर और उसकी खुशियां वापस मिल जाए। आइए जशन जी, बैठिए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। वो केटरिंग का जो ऑर्डर हमने आपको दिया है उसी के बारे में। जी आज मैं उसी के लिए, आपके सारे ऑर्डर आपको टाइम पे मिल जाएंगे। थैंक्स। लेकिन मैं खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते? जो बातें आपने हमसे कही थी वो पूरा करना आपकी ड्यूटी है। अगर आप कोई ऑर्डर पूरा नहीं कर सकते तो आपने प्रॉमिस क्यों किया था? प्रॉमिस? मुझे प्रॉमिस तो आपने भी किए थे अर्पिता से, क्या आपने वो प्रॉमिस पूरे किए? मैं जानता हूँ ये आपका घर का मामला है, लेकिन हमारा भी रिश्ता जुड़ा है अर्पिता से, तो जितनी फिक्र हमें अर्पिता की है उतनी ही आपकी भी है। अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ, चलता हूँ। बाहर वाले को एक घर वाला ही अंदर ला सकता है। अपनी इस मैटर को सोचने के लिए और समझने के लिए तो भी बहुत छोटी, तो जिस मैटर को तो भी समझ नहीं सकती वो दूसरे को कैसे समझाएगी? भैया मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूं, पर मुझे ये पता कि आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी फैमिली मैटर समझने की जगह सुलझाना चाहिए। अभी अर्पिता भाभी आ रही है, उनसे बात कीजिएगा और सिर्फ ये सोचिएगा कि क्या आप उनके बिना खुश रह सकते हैं। आपने जर्नलिस्ट से कैसे कह दिया दैट अर्पिता वाज अ मिस्टेक? आई हैड नो चॉइस। मैं जानता था कि अर्पिता यहाँ आने वाली है, और उसके आते ही वो जर्नलिस्ट उससे भी वही सवाल पूछते, उसे और परेशान करते, इसीलिए मैंने ये सब कहा। और अर्पिता भाभी ने ये सब सुना, आपको पता है उन्हें कितना हर्ट हुआ, कितनी तकलीफ हुई, कितना बुरा लगा,
वो आपके मुंह से ये सब सुनकर आपसे बात करने आई थी इस उम्मीद से कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आपने ये सब कह के उल्टा खुद को उनसे और दूर कर दिया। जो वो अच्छे के लिए होगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वाइफ है वो आपकी, प्यार करते आप उनसे, क्या आप नहीं चाहते कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए? मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है अपनी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। बाजी आप कब आए? आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? हाँ बेटा, मैं रात में ही आ गया, लेकिन आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाने ही नहीं चाहिए। अब भी बेटा अक्षत को बुला कर लो। बेटा तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो गया? तुम भी तो इस घर की बहू हो, एक बहू के रहते दूसरी बहू घर से बाहर कैसे जा सकती? बाजी, जब सवाल उठता है पति और बहू में से किसी एक को चुनने का, तो चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ मैं जानती कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। फिर भी बेटा तुम्हें तो बाजी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। बाबिशा ने तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कहा कि अगर अर्पिता को घर छोड़ के जाना पड़े तो ये भी उनके साथ जाएंगे, लेकिन फिर सुकेत बाईसा ने इनके आगे ऐसी बात कही कि इन्हें भी मजबूर होना पड़ा। ये सब ठीक नहीं हो, गलती किसी की हो या ना, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। बेटा बड़ी बहू घर में लगी तुलसी की तरह होती है, जो आंगन में रहते हुए घर की बुरी बलाओं और मुसीबतों को बाहर रखती है, परंतु उसके रहते हुए अगर घर की शांति चली जाए तो ये बहुत बुरा संकेत है। बाप जी, अक्षत भी अपने रूम में नहीं है। कमरे में नहीं, कहाँ गया? शायद बाहर गार्डन में होगा। मैंने गार्डन बालकनी हर जगह चेक कर लिया, वो कहीं नहीं है। उनका फोन चेक करियो, फोन स्विच ऑफ है। कहाँ चला गया सुबह सुबह? कहीं परेशान हो क्या? शायद ऑफिस जल्दी चला गया हो, मैं ऑफिस ट्राई करता हूँ। हेलो, हाँ अक्षत है वहाँ? क्या नहीं है? अक्षत ऑफिस में भी नहीं है। मुझे घर के बाहर मिलो। प्यार करने की ये सजा नहीं होती भैया, प्यार में तो उम्र कैद की सजा होती है, जिंदगी भर एक दूसरे के दिल में रहना होता है। आप इस सजा से बच नहीं पाओगे भैया। आप जानते हो कि आपको अर्पिता जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। अर्पिता भी ये बात जानती है, उसे आप जैसा परिवार और आप जैसा लड़का कहीं नहीं मिल सकता। जब सब एक दूसरे के लिए सही है तो सब एक दूसरे से अलग क्यों है? भैया आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, पहला ये जो हो रहा है उसे होने दो, और जिंदगी भर खुद को कोसते हुए अर्पिता की यादों में निकलो। दूसरा ये अर्पिता को उसे सब सच बोल के उसके साथ जिंदगी भर खुश रहो। एक मिनट सर, एक मिनट, पासपोर्ट प्लीज। पासपोर्ट नहीं है, लेकिन हमारा अंदर जाना नहीं, नहीं, प्लीज। देखिए भाई, आगे विस्टर्स नहीं जा सकते। सर प्लीज इन्हें जाने दीजिए, इससे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज सर, दो मिनट का काम है। जयपुर से न्यूयॉर्क अपनी उड़ान के लिए तैयार है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो गेट नंबर 12 की तरफ प्रस्थान करें। राज, राज अब हम क्या करेंगे? अर्पिता बाबी चले गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। राज नहीं अपनी, प्यार कभी नहीं आ सकता, मैं उसे हारने नहीं दूंगा। लेकिन अब तुम क्या करोगे? चोर चोर चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो। कहाँ जा रहा है? रुको राज।
राज, what are you doing? देखिए वो चोर नहीं है. Excuse me, please. भैया, राज, what is wrong with you? भाई साहब सुनिए तो. मैडम, प्लीज मेरी भाभी न्यूयॉर्क जा रही है. प्लीज तुम. हेलो हेलो अर्पिता भाभी, भाभी भाभी मैं अपनी अब जाकर भी प्लीज रुक जाइए. अर्पिता भाभी प्लीज रुक दो. आई एम सो सॉरी. आई एम सॉरी सर. आई एम सॉरी मैम. आपका बैग. आई एम वेरी सॉरी. अर्पिता भाभी प्लीज डोंट गो. भाभी अक्षत भाई आए मेरे साथ आपको लेने के लिए. माँ भी है. प्लीज डोंट गो टू फ्लाइट. अर्पिता अर्पिता आई एम सॉरी. प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ. मैं डर गया था. मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम और सफर करो. इसीलिए मैंने वो सारी बातें कही थी अर्पिता. अर्पिता प्लीज, यू नो आई लव यू. प्लीज मुझे एक दूसरा मौका नहीं दोगी? अर्पिता तुम्हारे बिना मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है. मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता. अर्पिता अर्पिता मैं तुम्हें भूल जाना चाहता था. आई एम सॉरी फॉर दैट. मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया. आई एम सॉरी फॉर दैट ऑल्सो. शादी में लिए हुए वादे, वो वचन, वो निभा नहीं पाया. लेकिन अब मैं वो सारे वादे तुम्हारे साथ याद करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ निभाना चाहता हूँ. बट आई नीड यू फॉर दैट. अर्पिता प्लीज एक मौका दे दो मुझे. प्लीज मुझे छोड़ के बचाओ अर्पिता. प्लीज डोंट गो अर्पिता. फॉर गॉड सेक डोंट गो अर्पिता. प्लीज हेलो अर्पिता भाभी. अर्पिता भाभी दिस इज फॉर लव. ये प्यार है जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं. और ये प्यार है जो आप दोनों को एक करेगा. आप ही ने मुझसे कहा था ना कि लव इज अ ब्यूटीफुल इमोशन. प्यार दोनों को एक करने के लिए होता है. प्यार भाभी से करने के लिए होता है. अगर आज आप चली गई तो मेरे प्यार पर से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा. अर्पिता भाभी प्लीज डोंट गो. मैडम आप जिस फ्लाइट के बारे में बात कर रही हो वो फ्लाइट ऑलरेडी जा चुकी है. राज, we made it happen. अर्पिता भाभी नहीं गई. दोनों फिर से मिल गए राज. प्यार जीत गया. प्यार जीत गया राज. सच अर्पिता? हाँ राज, तुम ठीक कहते थे. जहाँ प्यार होता है वह उम्मीद होती है और जहाँ उम्मीद होती है वह जीत होती है. भरोसा था ना. देखो आज उसी प्यार ने उन दोनों को फिर से मिला दिया. राज, मैंने तुम्हारी आंखों में अपना पत देखा. तुम्हारे दिल में मुझे खोने का डर देखा. ये तुम्हारा प्यार ही था जिसने मुझे प्यार करना सिखाया. लेकिन मैंने आज तक कहा नहीं. मैं डरती थी, खुद को रोकती थी. लेकिन आज मैं खुद को ये तुमसे कहने से नहीं रोक पा रही. मैं प्यार को जीतना नहीं चाहती. प्यार के सामने हारना चाहती हूं. इसे महसूस किया. अब इसे जीना चाहती हूं. मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ राज. और तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ राज. प्यार करती हूँ राज. प्यार करती हूँ राज. आई लव यू राज. ये प्यार हमेशा से इस दिल में था. बस मैं इसे पहचान नहीं पाई. और जब इसे पहचाना, इसका एहसास हुआ, तो कह नहीं पाए. बट राज, लव इज अ ब्यूटीफुल इमोशन. और जब ये होता है तो आप वही करते हैं जो ये चाहता है. क्या हुआ राज, कुछ तो कहो. आज भी कुछ कहना नहीं चाहता अवनी. मैं बस सुनना चाहता हूँ. क्या सुनना चाहते हो? दो थ्री मैजिकल वर्ड्स. आई लव यू. फिर से कहो.
आई लव यू राज। कहती रहो प्लीज। कितनी बार कहूं राज? मैं तो ये हमेशा के लिए सुनना चाहता हूँ वर्नी, क्योंकि तुम नहीं जानती मैंने ये सुनने के लिए कितना इंतजार किया है। अग्नि तो इतना भी कैसे गई? और आज तुम भी? माँ वो एक्चुअली मैं राज को बुलाने गई थी तो अचानक से बारिश हो गई और हम भीग गए। राज, अगर तुम नहीं होते तो मैं अर्पिता से कभी नहीं मिल पाती। और आज अगर अवनी नहीं होती तो मैं तो चली गई होती। अवनी ने जो बातें माइक पे कही उनने मेरे बढ़ते कदम रोक दिए। मुझे भी तो यही लेके आई है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा दी आज इसने मुझे। बदस बंद थी, हम दोनों में झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, दूरियां भी आई, लेकिन आज ये सब हो जाने के बाद ये मिलने की जो फीलिंग है ये बहुत अलग है। इट्स सो डिफरेंट, सो यूनिक। दिस इज द फीलिंग ऑफ लव। दूर जाने के बाद जब कोई अपना मिलता है तो वो रिश्ता और स्ट्रांग हो जाता है। जल्दी से परोस दो, आज मैं इतना खुश हूँ कि ज्यादा ही खाऊंगा। बिल्कुल, इतने दिनों बाद कुछ अच्छा हुआ, मैं भी आज बहुत खाऊंगा। हाँ। और अब सब अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, मैंने तो चिंता छोड़ ही दी थी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जो भी करोगी अच्छा ही करोगी और इस परिवार को कभी बिगड़ने नहीं दोगी। नहीं बाबूजी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है और मेरी बेटी की समझदारी से। आज इसी ने मुझे सही और गलत का एहसास कराया। I'm proud of you, Abhi. Thank you. जैसी माँ वैसी बेटी। मैं तो बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती, एकदम आपकी बच्ची। अच्छा भाभी, प्लान क्या है? ये अक्षत और अर्पिता कब तक छुपे रहेंगे? इससे पहले कि वो सामने आए हमें पापा को कैसे भी करके कन्विंस करना होगा। अब, लेकिन ये कैसे होगा? सुकेत भाई साहब तो आप और अवनी कहाँ थे इतने देर से? मार्केट गए थे। मार्केट गए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो मैंने सोचा कि आप अक्षत के पास गए। वो आज अर्पिता यूएस जाने वाली थी तो शायद टेंशन। नहीं नहीं, टेंशन किस बात, जो होना था वो तो हो ही गया ना। और आप बिल्कुल सही कहते थे, जिसने जो करना था वो कर गया, अब हम इन चीजों को लेके क्यों परेशान हो। आप खाना खाइए। अक्षत कहाँ है? वो आया नहीं अभी तक। अर्पिता के साथ? अर्पिता यूएस तो चली गई ना। देखिए, अर्पिता यूएस गई है या नहीं, अक्षत उसके साथ है या नहीं, दोनों कहाँ है मैं सचमुच नहीं जानती हूँ और ना ही जानना चाहती। अब वो लोग कोई बच्चे तो है नहीं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब हमारी मर्जी और उनकी मर्जी नहीं मेल खाती तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप भी इतना मत सोचिए, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाइए। बेटा, कोई क्या चाहता है, कहाँ है, ये सब सोच के तुम क्यों परेशान? भाई बच्चे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। क्या बोलूं, तुम ही कुछ कहो ना।
खाना डिनर हो गया? हाँ। क्या था खाने में? कचरी, मतलब सब्जी, दाल, रायता, बस। तुमने क्या खाया? जीजू ने राजमा चावल बनाए थे, काफी अच्छे बने थे। क्या हुआ? ओ गॉड अवनी, ये हम क्या बातें कर रहे हैं? सो सिली ना। मुझे लगा कि मैं तुमसे ये कहूंगा वो कहूंगा, लेकिन अब देखो हम दाल सब्जी राजमा की बातें कर रहे हैं। सच में हम ये सब वैसे राज ऐसा ही होता है जब वो हो जाता है। जब क्या होता है अपनी बोलो ना। जब प्यार हो जाता है राज ऐसा ही हाल होता है। जो कुछ कहना होता है वो सारे वर्ड्स गुम हो जाते हैं। मेरा भी तो पहला प्यार है अवनी, मुझे नहीं पता, शायद खुशी इतनी मिलती है कि होश उठ जाते हैं। लेकिन एक बात तो है, मैंने इतना इंतजार किया है कि हमारे दिल मिले। और तुम ये एक्सेप्ट करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो आज मैं वो बात जरूर कहूंगा जिसके लिए मैंने फोन किया है। मुझे पता है तुम क्या कहोगे। क्या? कि यू लव मी। प्यार तो है अवनी, लेकिन नए नए प्यार में एक बात बहुत खास होती है। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या पूछो राज? अवनी क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? हमारी फर्स्ट डेट? डेट? मुझे पता था ये सुनकर तुम्हारी आवाज ही गुम हो जाएगी। लेकिन अवनी तुमने अपने प्यार का इकरार किया है, तुमने ये भी कहा है कि तुम्हें हमारे प्यार के लिए एक उम्मीद नजर आती है, तो प्लीज मुझे जवाब जरूर देना। तुम चाहे जितना वक्त लो, लेकिन मुझे जवाब जरूर देना। गुड नाइट। तो चल तो सही, अब सब कुछ गोविंद जी पर छोड़ दे, वो ही करेंगे तेरे लिए फैसला। आफ्टर ऑल तेरी और राज की लव स्टोरी उन्होंने शुरू की थी। अब इनमें से एक चूज कर। माँ एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट आइए ना। अब माँ इसमें से एक चूज करो ना। क्यों? करो ना प्लीज। क्या लिखा है? जो भी गोविंद जी से मांगे उसका जवाब हाँ है। माँ बहुत अच्छी हो, अब मुझे गोविंद जी से हाथ दिला दी, क्योंकि तूने जो कुछ भी मांगा होगा वो अच्छा ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।